सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भू विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय जयपुर। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम सेडिमेंटोलॉजी के पिछले लेक्चर से आगे की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ राउंडनेस के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने एंगुलर, सब एंगुलर, राउंडेड, वेल राउंडेड आदि डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स के बारे में चर्चा की। When clastic fragments are cemented or undergo consolidation, they are called conglomerate. Conglomerate में आपको जैसे कल बताया था कि conglomerate के जो individual grains होते हैं वे rounded होते हैं, और उनका जो source of provenance होता है वह भी दूर होता है, इस कारण उनको conglomerate कहा जाता है। Similarly, when एंगुलर क्लास्ट अंडरगो कंसोलिडेशन, दे आर कॉल्ड ब्रेक्सिया। जब एंगुलर क्लास्ट की कंसोलिडेशन होती है तो उसे ब्रेक्सिया कहते हैं, और उनका सोर्स ऑफ प्रोवेनेंस दूर नहीं हो करके ज़्यादा दूर नहीं होता है, बल्कि जो ब्रेक्सिया फॉर्मेशन साइट है उससे उसके नज़दीक ही होता है। ये है सॉर्टिंग ऑफ द सेडिमेंट आल्सो सजेस्ट द मोड ऑफ डिपोजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सेडिमेंट की छटनी भी हमें बताती है कि अवसादन तथा परिवहन का तरीका क्या था। यदि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ है तो वह वेल राउंडेड तथा वेल सॉर्टेड सेडिमेंट होंगे, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हुआ है तो वो पुअरली सॉर्टेड एंगुलर ग्रेन्स होंगे। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस अगर मिलेगी तो वह ज़्यादा इजीली सॉर्टेड होंगे। फिर हम देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लास्टिक रॉक्स। सबसे पहला है रुडेसियस रॉक्स, मेड अप ऑफ वे चट्टानें जो कि गोलाकार तथा अर्ध गोलाकार पेबल्स तथा कोबल्स से बनी होती हैं, उन्हें कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। नेक्स्ट है आरिनेसियस रॉक्स, मेड अप ऑफ मेनली सैंड। अरिनेसिस का मतलब ही सैंड होता है, इसलिए वे चट्टानें जो कि मुख्य रूप से रेत से बनी हैं, बालू से बनी हैं, उन्हें हम बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन भी कहते हैं। दीज रॉक्स आर इधर एक्यूमुलेटेड बाय विंड एक्शन और डिपॉजिटेड अंडर वाटर एक्शन। ये चट्टानें या तो वायु की जियोलॉजिकल वर्क द्वारा एक्यूमुलेटेड होती हैं, अथवा जल के अथवा समुद्र के या लेक एनवायरनमेंट में ये डिपॉजिट होती हैं। आर्जिलेसियस, आर्जी का मतलब होता है कि बहुत ही सूक्ष्म कणों वाली चट्टाने, जिसे हम आर्जिलेसियस रॉक कहते हैं, जो कि क्ले साइज सेडिमेंट्स से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि शेल होती है, मड स्टोन होती है, सिल्ट स्टोन होती है, एक्सेट्रा। इम्पोर्टेंस, कॉन्ग्लोमेरेट कंप्राइज क्लास्टिक सेडिमेंट्स लाइक पेबल्स एंड कोबल्स। हिट्रोजीनियस, कॉन्ग्लोमेरेट में
क्लास्टिक सेडिमेंट्स जैसे कि पेबल्स और कोबल दोनों प्रकार के होते हैं, एक प्रकार की हेट्रोजेनस रॉक होती है। इफ द सीमेंटेशन इज गुड देन द कॉन्ग्लोमेरेट विल बी हार्ड। यदि कणों के मध्य सीमेंटेशन बहुत अच्छा है तो जो कॉन्ग्लोमेरेट होगा वह हार्ड होगा एंड कॉम्पिटेंट हैंस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बट नॉट गुड रॉक फॉर ग्राउंड वाटर सोर्सेस। लेकिन वह भूजल की दृष्टि से सही नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर वॉइड कम होंगे तो ग्राउंड वाटर के एक्यूमुलेशन की संभावना कम होगी। हाउएवर इफ द सीमेंटेशन इज पुअर, यदि कणों के मध्य का सीमेंटेशन बहुत ही ख़राब है, इट मेक्स द रॉक मोर पोरस विद हाई पोरोसिटी, तो यह चट्टान को ज़्यादा संरंध्रित बना देता है, संरंध्रित रंध्रयुक्त, जिसकी संरंध्रता या पोरोसिटी हाई होगी, जो कि ग्राउंड वाटर रिजर्वायर जिसे हम एक्विफर भी कहते हैं के रूप में अच्छी तरह कार्य करेगा क्योंकि वॉइड होंगे तो उनके मध्य में स्पेस होगी वाटर को एक्यूमुलेट होने के लिए। बट इफ अनडिजायरेबल एट द साइट ऑफ फाउंडेशन ऑफ मेजर सीई स्ट्रक्चर, लेकिन यह बड़े ये जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होते हैं उनके फाउंडेशन के रूप में बिल्कुल भी सही प्रकार की चट्टान नहीं है। ड्यू टू हैवी सीपेज अलोंग द कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट के सारे बहुत अधिक सीपेज यानी कि पानी के नीचे की ओर निस्तारण होने के कारण रिजल्ट इन द फेल्योर बाय स्लाइडिंग। वह रॉक स्लाइडिंग के कारण एक दूसरे के सापेक्ष स्लाइड हो जाती है और वह प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में ये जो एक डैम था जो कि इस प्रकार के चट्टान के ऊपर बना था, वह चट्टान कोलैप्स हो गई और डैम फेल हो गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, फेलियर ऑफ सेंट फ्रांसिस डैम यूनाइटेड स्टेट्स, एक ऐसा उदाहरण महाराष्ट्र का भी है। सीमेंटेशन सीमेंटिंग मटेरियल इज यूजुअली सेकेंडरी सिलिका। जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है मुख्य रूप से वह द्वितीयक सिलिका होती है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकती है। यदि सिलिका होती है तो उसे सिलिशियस सीमेंट कहते हैं, यदि कैल्शियम कार्बोनेट होती है तो उसे कार्बोनेशियस सीमेंट कहते हैं, आयरन रिच होने पर उसे फेरोजिनस सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट इट्सेल्फ टू सम एक्सटेंट इज द सोर्स ऑफ वीकनेस इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सीमेंट स्वयं अवसादी चट्टानों में एक कमजोरी का स्रोत है बिकॉज सीमेंटिंग मटेरियल एंड द क्लासिक सीमेंट एलिमेंट्स आर यूजली ऑफ डिफरेंट कम्पोजिशन, क्योंकि ये जो क्लास्टिक सेडिमेंट्स हैं और ये जो सीमेंट होती हैं उनका कंपोजिशन ही अलग अलग प्रकार का होता है, जिससे जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक जो भौतिक अभिलाक्षणिक गुण हैं उनमें विषमांगता आ जाती है, जिस कारण चट्टान कमज़ोर हो जाती है। हैंस रॉक विल बिहेव होमोजेनियसली अंडर स्ट्रेस, इसलिए ऐसी चट्टान प्रतिबल के दौरान समांग रूप से व्यवहार नहीं कर पाती, रिजल्टिंग इनटू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स, जिसके फलस्वरूप उसमें दरारें फिशर्स
से दरा ने एक ही होता है, विच डेवलप्स इन सीमेंटिंग मटेरियल में उत्पन्न हो जाते हैं। द सीमेंट इज कैल्शियम कार्बोनेट, यदि सीमेंट कैल्शियम कार्बोनेट है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल बिकॉज इट इज़ ससेप्टिबल टू डिजॉल्व। यदि कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट का सीमेंट है, कार्बोनेशियस सीमेंट है, तो ये बहुत ही बेकार माना जाता है, क्योंकि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जो वाटर होता है जो कि बना लेता है कार्बोनिक एसिड, तो वाटर प्लस H2O इसको H2CO3 दैट इज़ कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जब इसके चट्टानों के अंदर से निकलता है, अंदर प्रवेश करता है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको डिसॉल्व कर लेता है। हाउएवर इफ सीमेंटेशन प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, यदि सीमेंटेशन की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहे, तो सीमेंटेशन का कार्य अधिक संपूर्ण माना जाता है, जिस कारण पोरोसिटी में कमी आती है तथा पारगम्यता में भी कमी आ जाती है। संरंधता तथा पारगम्यता दोनों में कमी आती है चट्टान के, और चट्टान की कठोरता बढ़ती है। शेप ऑफ ग्रेन्स, इफ कोर्स ग्रेन्स आर राउंडेड और सम राउंडेड, सीमेंट मटेरियल विल नॉट हैव फर्म ग्रिप। यदि कोर्स बड़े गण राउंडेड या सब राउंडेड हैं, तो सीमेंटिंग मटेरियल विल नॉट हैव द फर्म ग्रिप। सीमेंटिंग मटेरियल में पकड़ अच्छी नहीं हो पाती यदि कण जो होते हैं गोलाकार या अर्धगोलाकार हैं, सच क्योंकि ऐसे रॉक में फेसेस नहीं होते, फेसेस नहीं होने के कारण पकड़ डेवलप नहीं हो पाती है। सच रॉक्स बिहेव एज इनकम्पिटेंट रॉक्स, ऐसी चट्टानें इनकम्पिटेंट रॉक की तरह व्यवहार करती हैं। हम सैंडस्टोन के बारे में पढ़ते हैं। सैंडस्टोन मुख्य रूप से सैंड ग्रेन से बना होता है। ये सैंड ग्रेन प्रमुख रूप से क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार के बने होते हैं, वेयर क्वार्ट्ज इज हाईली सेंसिटिव टू वेदरिंग। क्वार्ट्ज होता है अपशक के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी होता है। सीमेंटेशन प्लेज इम्पोर्टेंट सिमिलर रोल इन दिस रॉक एस इन कॉन्ग्लोमरेट। सीमेंटेशन कॉन्ग्लोमरेट में एक इसी प्रकार का समान रोल अदा करता है। हाउएवर सिलिशियस सीमेंट आर बेस्ट, सिलिशियस सीमेंट जो होती है SiO2 की, वह सबसे अच्छी मानी जाती है। हाईली डिज़ायरेबल फॉर CE purposes, वह सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही डिज़ायरेबल होती है, और आल्सो द फेरोजीनियस सैंडस्टोन, जैसे कि फेरोजीनियस सैंडस्टोन। विभिन्न प्रकार के सैंडस्टोन आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन दियर कंपोजिशन। ये सैंडस्टोन आप देखिए, इसको क्वार्ट्ज सैंडस्टोन कहते हैं। मुख्य रूप से ये क्वार्ट्ज से बना है, SiO2, ठीक है। ये दूसरा सैंडस्टोन है, इसे आर्कोस भी कहते हैं, लेकिन इसमें फेल्सपार की मात्रा अधिक है। ये जो फेल्सपार का कलर जो होता है वह फ्लैश रेड, मतलब मांस के समान लाल रंग का होता है, इसलिए इसे हम फेल्सपार भी कहते हैं, इसे हम आर्कोस रॉक कहा जाता है। वह सैंडस्टोन जिसके अंदर फेल्सपार 25% से अधिक होता है ना,
उसको हम आर्कोस सैंडस्टोन कहते हैं। और ये इतना रेजिस्टेंट नहीं होता है क्योंकि फेल्सपार जो होता है वह लेस रेजिस्टेंट है। फिर ये ग्रेवेक है, ये भी एक प्रकार का सैंडस्टोन ही होता है, लिथिक अरेनाइट इसे कहते हैं। तो इस प्रकार संगठन के आधार पर अलग अलग प्रकार के सैंडस्टोन होते हैं। फिर हम शेल के बारे में बात करते हैं। शेल्स आर क्लास्टिक रॉक मेड अप मेनली फॉर फाइन सिल्ट क्ले। शेल मुख्य रूप से क्लास्टिक रॉक से होती है जो कि बहुत ही सूक्ष्म कणीय क्ले ग्रेट पार्टिकल से या सिल्ट ग्रेट पार्टिकल से बनी होती हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवसादी चट्टानें हैं, अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ दैम। ठीक है, अवसादी चट्टानों में 80% तो केवल ये शेल ही होती है। ऑफन कंटेन्स फॉसिल, कभी कभी इनमें फॉसिल भी पाए जा सकते हैं, प्लांट के इम्प्रिंट्स भी हो सकते हैं। मोस्टली हाइड्रस एल्यूमिनियम सिलिकेट इन कंपोजिशन फ्रॉम वेदर्ड फेल्सपार। डिपोजिशन टेक्स प्लेस अंडर लो फ्लूवियल रिज्यूम और अंडर वीक वाटर करंट। वीक वाटर करंट में इनका निर्माण होता है ऑफशोर और इन लगून। ऑफशोर होता है या फिर लगून में इनका निर्माण होता है। शेल्स आर मेड ऑफ फाइन वेल सॉर्टेड सिल्ट एंड क्ले सेडिमेंट वेयर नॉर्मली वन कैन एक्सपेक्ट हाई पोरोसिटी एंड परमेबिलिटी। जो कण छोटे होंगे तो क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा होगा, जिस कारण क्या होता है कि इनकी पोरोसिटी तथा परमेबिलिटी भी अधिक ही होगी। इनकी हाईएस्ट पोरोसिटी परमेबिलिटी मानी जाती है और शेल फिसाइल में क्या होता है कि जब इनमें वाटर आ जाता है तो इनसे आसानी से वाटर बाहर नहीं निकलता है। पोरोसिटी तो अधिक होती है लेकिन परमेबिलिटी इनकी कुछ कम होती है। इनके वाटर जो होता है वह इनके अंदर जो पार्टिकल्स के जो इनके वॉइड स्पेसेस हैं उनके मध्य इंटरकनेक्शन इतना अधिक नहीं होता है, इस कारण परमेबिलिटी कम होती है मानते हैं। बट ड्यू टू सरफेस टेंशन फेनोमेनन वाटर एंड एक्सट्रीमली फाइन इंटरग्रेनुलर स्पेस शेल्स आर इम्परमेबल। जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन फिनोमिनन तथा अत्यंत सूक्ष्म कण के होने के कारण ये इम्परमिएबल होती हैं। ठीक है ना, यानी कि इनमें से वाटर बाहर नहीं जा सकता है। इन्हें दूसरी भाषा में जिनसे पानी बाहर जा सकता है उन्हें हम एक्वीफर कहते हैं, और यानी कि जिनमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और साथ ही जिनमें परमेबिलिटी भी अच्छी होती है उसे हम क्या कहते हैं एक्वीफर। और जिसमें यह सब नहीं पाया जाता है, जिसमें जिसमें परमेबिलिटी कम होती है उसे हम कहते हैं एक्वीक्लूड। पानी तो आ सकता है लेकिन पानी बाहर नहीं जा सकता है, इसे हम एक्वीक्लूड कहते हैं। ठीक है ना, इनमें यदि पानी उपस्थित भी होता है तो उसको हम क्या है कि बोरिंग इत्यादि के करके द्वारा निकाल नहीं सकते हैं। तो आज इतना ही विद्यार्थियों, अगले लेक्चर में हम सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।